आज का ये सच्ची आपबीती कहानी अनुपम का है, जो आसाम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला है। अनुपम के होम टाउन के पास मायोंग नाम का एक जगह है, जहां कहा जाता है कि जादू टोना और काला जादू काफी लंबे समय से किया जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि प्राचीन काल से यहां काला जादू किया जाता है। बचपन से ही अनुपम इस तरह की कहानियां सुनते रहते हैं। हालांकि अनुपम को इन किसी भी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यह विशेष घटना लगभग 7 साल पहले हुई थी। मायोंग के पास एक जंगल है जिसे पोबितरा अभयारण्य कहा जाता है। अनुपम का एक दोस्त जो दिल्ली से आया हुआ था, दोनों वहां गया। लौटते समय भारी तूफान और बारिश होने लगी। वो दोनों तूफान के गुजरने का इंतजार करने के लिए मायोंग में अपनी कार रोकी। रोड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी तो वो दोनों कार से निकल के वहां चल पड़ी। पूरा बाजार सुनसान था। चाय के दुकान में इंतजार करते समय एक और अधेड़ उम्र की व्यक्ति उसी दुकान में दौड़ता हुआ आया। करीब 1 घंटे की तेज आंधी, बारिश और बिजली चमकने के बाद सब शांत हो गया। घोर काली रात थी। वो अजनबी आधी उम्र के व्यक्ति भी उनके साथ था, क्योंकि उन्होंने अनुपम को उनके रास्ते में एक जगह पर छोड़ने का अनुरोध किया था। कार में बैठकर उन्होंने थोड़ी बातें की और उसने उनको बताया कि वो एक किसान है। बातों बातों में अनुपम मायोंग की कहानियों का मजाक उड़ाने लगे और कहा कि वह कितनी मनगढ़ंत है। उस आदमी ने गंभीर होकर बताया कि हालांकि लोगों को भेड़ बकरी बनाने की कहानियां फर्जी है, लेकिन काला जादू वास्तविक है और आज भी कुछ लोग इसका अभ्यास करते हैं और वे कुछ चीजें करते हैं और कर सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो ऐसे कुछ जानते हैं, उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जब वो नीचे उतरने वाला था तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर बताया कि वो अनुपम और उसके दोस्त के बारे में कुछ भविष्यवाणियां करना चाहता है और ये भी बताया कि अगर उनमें से कोई भी बात मेल खाते हैं तो शायद अनुपम और उसके दोस्त को इतना समझ में आ जाएगा कि वास्तविक में जादू नाम का कोई ना कोई चीज़ जरूर होता है। अनुपम के लिए उन्होंने कहा कि उसकी शादी मायोंग की किसी एक लड़की से होगी। इसके अलावा भविष्य में अनुपम का क्या काम होगा और वो कहाँ सेटल होगा, उनके पिता का कब देहांत होगा, उनके भविष्य की कुछ और घटनाएं और आखिर में अनुपम का डेथ कब होगा, ये सब कुछ बताया। अनुपम के दोस्त के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसे ही बातें कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि मार्च 2015 को उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है जिसका उसके जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। कुछ साल बाद अनुपम की शादी हो गई एक लड़की से, जिससे वो बाद में कॉलेज में मिली थी। वो मायोंग की रहने वाली थी। अनुपम के पिता का हार्ट स्ट्रोक से अचानक निधन हो गया ठीक उसी समय जब उस आदमी ने बताया। हर एक बात सही बैठा जो उस आदमी ने भविष्यवाणी किया था। जहां तक अनुपम के दोस्त का सवाल है, हर शब्द सच हो रहा था। मार्च 2015 को एक कार दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया। इन सभी बातों से अनुपम को एक बात तो समझ आ ही गया कि वास्तव में जादू तो होता ही है, चाहे वो सफ़ेद हो या काला जादू।